क्या आप भी डीमैट क्रिएटर की तरह चैनल आर्ट यानी कि यूट्यूब बैनर लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर आप टेक्निकल योगी जैसा, टेक्निकल गुरुजी जैसा चैनल आर्ट और यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ और देखिए आज आपको सिखाते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनाया जाता है, चैनल बैनर कैसे बनाया जाता है। तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपेंद्रास। तो देखिए आज आपको सिखाएंगे इस वीडियो में कि आप जो है इस तरह का चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं या फिर चैनल बैनर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विवेक क्रिएटर का चैनल आर्ट बना हुआ है, देखिए इसी को कहते हैं चैनल आर्ट या फिर चैनल बैनर। इसको बनाने से आपका जो है यूट्यूब चैनल का इम्प्रेशन बनता है, जिससे कस्टमर या फिर आप कह लीजिए व्यूअर आपको इस चैनल आर्ट को देख के थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं और आपको चैनल को देखते हैं। तो इस प्रकार का चैनल आर्ट अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं, आप सीखते हैं आज कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको आना होगा कैनवा पे, यानी कि आप अपना गूगल में जाइएगा या गूगल क्रोम में जाइएगा, वहां जाके canva.com सर्च कीजिएगा, या फिर अगर आप इसको फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आप इसका ऐप आता है कैनवा बोल के, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका कुछ डाउनलोड करने के बाद आपसे आपका जीमेल और पासवर्ड मांगेगा, उसको देख के आप लॉगिन कर लीजिएगा इस पर। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, देखिएगा टेम्पलेट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टेम्पलेट में आइएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आके देखिए यहाँ यूट्यूब चैनल आर्ट बोल के आप एक को सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन में आपको जाना है यूट्यूब चैनल आर्ट, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपके सामने इस तरह से बहुत सारा चैनल आर्ट खुल के आ जाएगा, देखिए अभी खुल रहा है, दिखाते हैं आपको चैनल आर्ट। जैसे देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी वन का चैनल आर्ट बना हुआ, इस तरह से डिज़ाइन करके आप भी अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं, वीमे क्रिएटर की तरह आप भी अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं और इससे भी खूबसूरत भी आप बना सकते हैं अगर थोड़ा आप मेहनत करते हैं तो। देखिए इस प्रकार का चैनल आर्ट हर चैनल पे आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े चैनल पे। तो इस प्रकार से आप भी अपना चैनल आर्ट बनाइए ताकि जो आपका व्यूअर हो वो आपका चैनल आर्ट देख के थोड़ा इम्प्रेस हो सके। तो जैसे इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कैनवा पे आना होगा, कैनवा अभी देखिए खुल रहा है, देखिए ये कैनवा खुल जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए आपके सामने बहुत सारा टेम्पलेट आ जाएगा चैनल आर्ट का, इसमें से जो आपको पसंद हो आप उसको लेके बना सकते हैं। तो देखिए इसमें से बहुत सारा पेड भी है और बहुत सारा फ्री भी है, देखिए जहाँ पे पेड लिखा हुआ वो आपको पैसा लगेंगे चैनल बैनर को बनाने के लिए, जहाँ पे फ्री है देखिए यहाँ पे फ्री वाला आप ले सकते हैं, इसको कोई पैसा नहीं देना होगा, आप फ्री में इस तरह से चैनल आर्ट बना सकते हैं या फिर चैनल बैनर कह लीजिए आप इसको। तो देखिए कोई एक चैनल आर्ट आपको बना के दिखाते हैं अभी हम। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये हम फ्री वाला को एक सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे फ्री वाला एक सेलेक्ट कर लिए, इसको जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा ये खुल जाएगा आपका इस तरह से आपका यहाँ खुल जाएगा। तो ये देखिए पेड वर्सन इसीलिए नहीं खुल रहा, आपको फ्री वाला करके दिखाते हैं, यहाँ फ्री वाला आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कोई भी चैनल आर्ट एक को सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ फ्री लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको जैसे क्लिक कीजिएगा आप उसके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर इस पर आपको और एक बार क्लिक करना है, और एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए जो भी है नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप अपना एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नाम, इसको हम एडिट करके दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं जैसे कि मेरा चैनल का नाम है दीपेंद्रास, तो डीडी लिख दिए हैं यहाँ पे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना चैनल का नाम दीपेंद्रास, यहाँ पे हम अपना लिख दिए चैनल का नाम, ये आप छोटा में लिखें या फिर कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए अपना चैनल का नाम, तो देखिए यहाँ पे जो चैनल का नाम है वो ये कलर भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, देखिए अभी आपको दिखाते हैं कलर चेंज करके। देखिए यहाँ पे कलर है इसका जो चेंज हो चुका है, ये ब्लैक हो चुका है, इसको अभी हम दूसरा कलर देके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कलर पे जाइएगा, टेक्स्ट कलर बोल के है, यहाँ पे आप कलर कोई भी कलर यहाँ से आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पे कलर दे दिए इसका, ये जो फ्रंट है इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप इसको इटालियक भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी आप इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका साइज भी आप बड़ा घटा सकते हैं, यहाँ से देखिए साइज लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइज, यहाँ पे इसका साइज भी है, आप साइज भी यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइज है, इसको साइज को आप बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर ये जो है आपका हम रेड कलर कर दिए अभी। इसके बाद यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं इसको, यहाँ पर आप इटालिक कर सकते हैं इसको, जैसे आप चाहे इसको कर सकते हैं, ये सब कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका, देखिए यहाँ इस प्रकार आप नाम लिख दिए, देखिए अभी आपको दिखाते हैं ये नाम देखिए रेड हो गया, अभी हम इसको रेड किए। इसका फ्रंट को अभी देखिए आपको बढ़ा के दिखाते हैं, इस पर डबल क्लिक आप कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा यहाँ फ्रंट पे, ये प्लस का चिन्ह पर आप क्लिक कीजिएगा तो वो देखिए अपने फ्रंट बढ़ते रहेगा धीरे धीरे।
इस प्रकार से देखिए बढ़ेगा आपका फॉन्ट, तो इसको आप बड़ा घटा सकते हैं, जितना बड़ा चाहे आप ले सकते हैं इसको। इस प्रकार से देखिए ये बढ़ रहा है फॉन्ट, तो आप इस तरह से बड़ा घटा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए माइनस पे क्लिक कीजिएगा तो ये घटेगा, तो आप यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं फॉन्ट को अपना इस तरह से। तो इस तरह रख देते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके। उसके बाद देखिए आते हैं हम अभी नीचे वाला, नीचे में यहाँ पर आप कुछ अपना टैग है तो अपना चैनल का लगा सकते हैं, कुछ स्लोगन है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे लिख दिए यहाँ पे दीपेन दास, उसके बाद ऑल टाइप वीडियो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि मेरे चैनल पे आप ऑल टाइप वीडियो देख सकते हैं। ऑल टाइप वीडियो यहाँ पे लिख दिए, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए, ये आपका इसको घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं खींच के इस प्रकार से, और इसको पकड़ के आप जिधर चाहे ले जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको जहाँ चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे इधर रखिए चाहे यहाँ पे रखिए बीच में रखिए, जहाँ चाहे आप ले जा सकते हैं। इसका भी फ्रंट आप घटा बढ़ा सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट पे जाइएगा, कलर पे जाइएगा, कलर पे जाके इसका आप कलर जो भी चाहे अपना रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप कलर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको कलर चाहिए आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट करके इसको रख सकते हैं। तो देखिए अभी व्हाइट है, यहाँ पे हम व्हाइट ही रहने देते हैं क्योंकि व्हाइट ही यहाँ पे ठीक दिख रहा है। और इसका फ्रंट देखिए यहाँ से प्लस करके आप बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से देखिए बढ़ रहा है, यहाँ से माइनस कीजिएगा तो घटेगा देखिए। तो इस प्रकार से आप घटा बढ़ा सकते हैं, फ्रंट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटालिक कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको उठा के इधर उधर जहाँ चाहे रख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, इस प्रकार यहाँ से इसको रख दिए, इस प्रकार से आपका ये बन गया। तो यहाँ पे फिर आप अपना यूट्यूब का चैनल लोगो कुछ भी लगा सकते हैं, जो चाहे आप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है और भी, या फिर आप इसके में कुछ एलिमेंट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ एलिमेंट पे जाइएगा, एलिमेंट पे जाके यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा टेम्पलेट आएगा, जैसे कि यूट्यूब का हो गया, ये देखिए बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए ये सब्सक्राइबर बोल के है, सब्सक्राइबर ये फोटो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यूट्यूब में आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको इस प्रकार खींच के आप यहाँ पर ले आइएगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा पकड़ के इस तरह से, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ से छोटा कर लीजिए इस प्रकार से। अगर ये आप डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे करते हैं या लैपटॉप पे करते हैं तो आपको इस प्रकार से करना होगा, या फिर आप इसको अगर मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से हाथ से पकड़ के इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कहीं रख देते हैं ऊपर में, इस प्रकार से इसको और छोटा कर देते हैं, इस तरह से छोटा कर दिए और इसको कहीं लगा देते हैं नीचे साइड या ऊपर साइड, जहाँ चाहे आप इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से लगा दिए इसको देखिए यहाँ पे, उसके बाद इसको फिर जहाँ चाहे आप ले जा सकते हैं ऊपर नीचे, इस प्रकार से इसको जहाँ चाहे एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद और भी यहाँ से आप लोगो लगा सकते हैं, अपना चैनल का भी लोगो लगा सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं। अगर आप इसमें अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो लगाने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर देखिए अपलोड पर, अपलोड पर जैसे जाइएगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपलोड है, अपलोड का बटन है, यहाँ अपलोड में जाइएगा, अपलोड में जाके इस अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका सिस्टम में जितने भी फोटो है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए आपको अगर मीडिया में जाना है तो यहाँ मीडिया में क्लिक कीजिए, वहाँ के बाद इसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपका जितना भी फोटो वोटो है अपना डेस्कटॉप में वो सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कोई फोटो आपको लेना तो फोटो अपना सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक कर दीजिए, ये फोटो आपका यहाँ पर अभी देखिए अपलोड होने लगेगा। उसके बाद उसको खींच के आपको यहाँ लाना है, देखिए ये फोटो आपका यहाँ पे आ गया, इसको देखिए यहाँ से पकड़ के हम इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे उस पर तो वो अपने यहाँ पे आ जाएगा। और इसको चाहे तो है आप इसको छोटा करके इस प्रकार से रख सकते हैं, देखिए इसको छोटा कर देते हैं पहले इस प्रकार, देखिए ये छोटा हो जाएगा इस तरह से, इसको आप छोटा कर लिए, छोटा करने के बाद इसको जहाँ चाहे आप इसको ले जा कर रख सकते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर में ही आपको लगाना है इस प्रकार से तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ चाहे इसको इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको छोटा करके बड़ा करके। अगर और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए इतना छोटा हो जाएगा आपका, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं आप इसको इस प्रकार से। और यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, यहाँ पे लगा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बेटर दिखता है यहाँ पे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और इसको बीच में यहाँ एडजस्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आप चैनल आर्ट बना सकते हैं, ये तो एक आपको डेमो के तौर पे हम दिखाएं। यहाँ पे देखे होंगे आप बहुत सारा आपका टेम्पलेट मिल जाता है, देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा टेम्पलेट है, आप जो चाहे टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं सिलेक्ट करके। देखिए सब फ्री वाला है, यहाँ पे जितना है सारा फ्री है। और ये देखिए यहाँ पे एक प्रो लिखा हुआ, ये पेड वाला है, तो पेड वाला आपको नहीं लेना है, सारा फ्री वाला आपको लेना है। और फ्री वाला लेके आप जैसे चाहे इसको बना सकते हैं अपना टेम्पलेट, यानी कि आपका चैनल आर्ट जिसको कहते हैं। अगर इसको आप लगाते हैं तो आपका चैनल का
थोड़ा देखने में और अच्छा हो जाता है और इसको इम्प्रेशन बनता है आपका व्यूवर के ऊपर। जब भी वो आपका चैनल पे विजिट करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे और देखेंगे कि आप एकदम यूट्यूबर का जैसा अपना लगाए हैं बैनर, तो उसको देख के वो थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए आपका चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसको सेव करने का कैसे कीजिएगा, आपको सेव वो भी दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो शेयर बटन है ऊपर में, यहाँ देखिए शेयर बटन पे आपको जाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए शेयर बटन है, इस शेयर बटन पे आपको क्लिक करना है। तो शेयर बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पे फिर डाउनलोड का ये ऑप्शन है, इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना और ये आपका चैनल आर्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए आप और देखिए ये डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे देखिए PNG में ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए इस तरह से ये डाउनलोड होकर आपका दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, इस कोना पे आपको दिखेगा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं कॉपी करने का। तो इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर लिए PNG में, उसके बाद आप अपना चैनल पे इसको लगा सकते हैं। तो चलिए चैनल पे भी अगर आप चाहें तो इसको लगा के दिखा दें, या फिर आप चाहे तो अपने से लगा सकते हैं चैनल पे इसको, या फिर आप कहिएगा हमें, कमेंट कीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लगा के भी दिखा देंगे चैनल पे कि आप चैनल पे अपना यूट्यूब चैनल पे चैनल आर्ट को कैसे लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वो भी सीखना तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको वो भी हम लाइव करके दिखा देंगे, सिखा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,